ठंडी लग रही है, आज ऐसे सुबह से चार अगर भी चुकी। अपराणिक स्वाध्याय वेला यहाँ ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुक्तिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कणों का प्रक्षालित सकल भूतल कलम का मुनि रूपा सुतीता सरस्वती हरतुं दुजम अज्ञान समीरा नहानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः, सकल कलश विध्वंसकं श्री सांपतिवर्धकं धर्म सम्मन्तकं वैभवजीवं न प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आला पद्धति नामधेम अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणेन्द्रदेवाः प्रतिगणेन्द्रदेवाः श्रीशाम चौनसारमासाद श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री देवसेन देवैर विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगने मंगलम कुंदकुंडाजो जैन धर्मोच्च मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जैतुशासनम कोटिशतम दादस्यैव कोटो लक्षाणशीचत्रधिकान चैव पञ्चाशदष्टौशतसहस्रसंख्यमेतत्स्तुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हंत भाष्यर्थम गणहृदय गज्जीयम सम्मम प्रणमाम वर्तिजुतो सुदृणमोहिम शिरसा इच्छामंते सदभक्ति कौशको तत्सालोचीम अंगु वंग पैने पावड़ परम सत्य परमान पूर्व गये तुलिया केव सुतत्तय थुईदम कहाय सियान चकल मंचेमी पूजीमी वंदामी नमम सामी दुख को कम को वोहिला सुगई गुमनम समाय मरणम जिनुम संपत्ति हो मज्जुम। अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्वम
श्रुतिजलदि पारकेभ्यः स्वपरमतपिभावना पटुमतिभ्यः सुचिलिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चभिराचारकरणसन्दर्शे शिष्टानुगकुशले धम्मायुरे सदा मन्दे गुरुभट्टसंयमेनयोतरन्तसंसारसायुरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं यमनमलं न पाविन्ति ये नित्यं मृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्नि हूताकुलः षट्कर्मा विरता सपोधनन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतीजोदिकाः मुक्षद्वारकपाठपाठनपटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः कान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छां ते आयुर्भक्तिकौतुको तस्सालोचीं समुनान् समुदोचन समचरियुत्तानं पञ्चभ्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयरादि सुरणोदेशानुवोध्ययनं तिरियणगुणपारयाणं सौ साहूनं शयानिचकलमञ्चे मे पूजीमि मुन्दामि नमं स्वामि दुःखको कमको मोहिलां सुगैकमुनं समायमिरणं जिनुगुणसम्पत्तिहूमज्जुम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं समीचीनेश्वरम् पर्याय की उत्पत्ति के बारे में कहा जा रहा पर्यायस्य युत्पत्ति है गुणों के बारे में भी कहा और अब पर्याय के बारे में भी कहा जा रहा स्वभाव विभाव रूपरया याति पर्येति परिणमति इति पर्याय स्वभाव के रूप में अथवा विभाव के रूप में जो प्राप्त करता है द्रव्य परिणमन करता है और उसका परिणाम जो निकलता है उसका नाम पर्याय है। परिआसमन्तात् अयते गच्छति व्याप्नोति इत्यर्थ है। चारों तरफ से अथवा सब तरफ से जो प्राप्त किया जाता है अथवा द्रव्य जिसे प्राप्त करता है स्वयं परिणमन करता द्रव्य होता है तो यह पर्याय की उत्पत्ति होती है। परिणमति इन्होंने स्पष्ट अपने रूप में ही रखा स्वभाव और विभाव पर्याय विभाव के रूप में जो प्राप्त होता है उसका नाम पर्याय ऐसा कहा। पर्याय का नाम दूसरा परिणाम भी है। परिणाम क्या निकला तद्भाव परिणाम है पंचम अध्याय के अंत में ये दिया गया है तेषां भाव व परिणाम है पर्याय। इस प्रकार यह गुण और पर्याय इन दोनों के विषय में गुण पर्याय व द्रव्यम जो कहा गया था इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ दो अध्यायों के अंतर्गत पर्याय के लिए एकमात्र सूत्र दिया है ये ना। और इसका इन्होंने प्ररूपण पूर्ण कर दिया
दो रूप में द्रव्य के बारे में हम लक्षण पाते हैं, उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत सत द्रव्यश्च लक्षणम्। उत्पाद रूप, व्यय रूप और ध्रुवत्व रूप, ध्रुव जिसको बोलते हैं, इस रूप में जो पाया जाता है वह सत होता है और वह सत ही एक प्रकार से द्रव्य होता है। किंतु ये भी बताया, कहने मात्र से क्या होता है, सत तो हो गया उत्पाद में द्रव्य रूप में, द्रव्य परिणाम करता है, तो फिर गुणों को कहीं बाहर से लाया जाता होगा, क्योंकि आपके यहाँ गुणों का प्रकरण तो है। अब कैसे लाते हो गुण, तो नहीं, स्वयं द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। उत्पाद में द्रव्य वाला भी होता है आपने कहा, अब द्रव्य और गुण वाला, गुण और पर्याय वाला भी होता है ऐसा भी कहा, सुनते तो हैं आप लोगों की यहाँ परिभाषा बहुत होती है, कि ये भी सुना है कि गुणानाम समुदाय है द्रव्यम, गुण समुदाय व द्रव्यम, गुण गुणों के समूह वाला द्रव्य होता है, पर्याय की चूंकि परिणाम का नाम पर्याय है, आप क्रमवर्तिन है व्यतिरेकिन, इस रूप में पर्याय होते हैं। इसके लिए भी पहले एक सूत्र, एकाद सूत्र आया था। तो ये सब बातें आप मान भी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, बाद में लाते होंगे, नहीं, द्रव्य आधार है और ये आधेय है, पर्यायों में परिवर्तन होता है, यानी द्रव्य भिन्न भिन्न समय में द्रव्य क्षेत्रादि काल मजबूत होकर के अपना परिणाम करता रहता है, उसमें पर्याय निकलती, पर्याय हमेशा बनी नहीं रहती। हाँ, जीव में जब शुद्धत्व आता है उस समय जो पर्याय होती है वह अविनश्वर रहती है, जो कर्म निरपेक्ष होकर के उत्पन्न होती है अथवा कर्मों के क्षय में उत्पन्न होती है, और उत्पाद में द्रव्य रूप जो परिणाम होता है वह प्रतिक्षण चलता रहता है, वह सामान्य परिणाम जो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा इसमें कोई विशेषता नहीं रखता, चाहे वह मूर्त हो चाहे अमूर्त, चाहे वह रूपी चेतन हो अथवा अचेतन, कोई भी हो वह यह इस प्रकार के स्वभाव से युक्त होकर परिणाम करता है। इसलिए गुणों का आधार द्रव्य के रूप में स्वीकारा है, और गुण के स्वरूप भी पहले बता करके आए हैं, सह भुव गुणा, सह केन प्रश्न उठता है तो द्रव्येन सह, द्रव्य के साथ व्याप्त होकर के वह परिणाम द्रव्य करता है, और गुण अपने आधार, अपने को आधार बना करके चलता है, जो आधार होता है वो स्वामी होता है, परिणाम करता होता है, आधे जो होते हैं वो उसके आश्रित होकर के, उनका कोई निजी परिणाम नहीं होता। इस प्रकार विश्लेषण एक महीने से
लगभग हो गया है। परिणाम ये किसका निकला? हमने परीक्षा दी थी, उसका परिणाम निकला है ना, ये कहने में आता है। परिणाम का कभी परिणाम तो नहीं निकला आपके यहाँ है? परिणाम का परिणाम तो होता नहीं, क्योंकि वह परिणाम निकल गया। किसका पूछते हैं तो परिणाम का नहीं कहा जाता, किंतु जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका परिणाम है ये। तो पर्याय का परिणमन नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा हूं। पर्याय का परिणमन नहीं हुआ, किंतु द्रव्य का परिणमन हुआ। अब तीसरा जो है गुण है, गुण का भी परिणमन नहीं होता। कहीं कहीं पर परिणाम और गुण ये एकार्थवाचक के रूप में भी शास्त्रों में प्रकरण में आ जाते हैं। अब गुण हमेशा हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं, ये भी एक कहा। तत्पर सूत्र में द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित रहते हैं, गुण स्वयं में निर्गुण होते हैं, यह वहां पर विश्लेषण किया। द्रव्य से छोड़ करके, द्रव्य को छोड़ करके गुण कहीं भी पलायन नहीं करते, अथवा एक दूसरे में वह आधार भी नहीं ले सकते। यदि क्रिया होती उसमें तो भाग जाते, तो ऐसी उनके पास क्रिया नहीं, उनके पास पैर नहीं, उनके पास हिम्मत नहीं, क्योंकि वो आधे है। इस प्रकार इन्होंने निरुक्ति परक और लक्षण परक इन सब का विश्लेषण कर दिया। एक रह गया है स्वभावानाम विशेषण, स्वभावों का विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा। पहले ही मंगलाचरण में कहा था, वह प्रकरण सामने आ रहा है। अब स्वभाव इसकी व्युत्पत्ति कैसी होती है इसका अधिकार आता है। स्वभाव लाभात अच्युतत्वात् अस्तित्व स्वभाव, स्वभाव कैसा होता है यो बताते हैं। स्वभावात स्वभाव लाभात अच्युतत्वात, अपने स्वभाव से जो च्युत नहीं होता, इन्हें दूर नहीं होता, कभी भी अपने स्वभाव से जो दूर नहीं होता उसका नाम स्वभाव है। व्युत्पत्ति इसकी ऐसी की जाती है, स्वेन भवति इति स्वभाव, अपने द्वारा ही होता है उसका स्वभाव, उसका नाम स्वभाव है। आत्मनि भवः भवति इति स्वभाव, अपने आप में होता है, अथवा आत्मनः भवति आत्मनो भवति, अपने आत्मा से होता है, अपने आत्मा का ही होता है, और अपने आत्मा में होता है, और अपने आत्मा के द्वारा होता है। इसमें पंचमी षष्ठी सप्तमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। और आत्मना भवति अथवा स्वस्य स्वेन वा भवति, इस प्रकार इन्होंने इसकी निरुक्ति की है। व्युत्पत्ति के बारे में इन शब्दों की संयोजना के साथ आपके सामने आया। एक और है, जैसे द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में आप लोगों ने भावों का प्रकरण देखा, वहां लिखा है औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवश्च
స్వతత్వం ఔదేక పారణామికొచ్చ ఎ స్వతత్వ హే అనే స్వస్మిన్ భవంతి ఇతి స్వతత్వ అప్ని మే హోతే హే ఇస్లియే స్వతత్వ కిస్మే హోతే హే తో బతాయే దియా ఉన్హోనే కౌన్ నిరపేక్ష కర్మ నిరపేక్ష హే కౌన్ స్వసాపేక్ష హే కౌన్ దోనో పక్ష కో రఖతే హే ఈ ప్రకరణ దే దియా వో యహాన్ పర్ అప్నే కో యాద్ కర్నా హే భావ కా ప్రరూపన్ స్వభావ కా ప్రరూపన్ ఏక ప్రకార సే ప్రాచీన్ హే గుణస్థానో కా ప్రకరణ థోడా సా అర్వాచీన్ లగ్తా హే నామోల్లేఖ కే సాథ్ గుణస్థాన్ కా ప్రకరణ బహుత్ కమ్ ఆ పాతా హే తత్వార్థ సూత్ర మే భీ లగ్భగ్ గుణస్థాన్ కో ప్రమాణాంతర్ మే ప్రకారాంతర్ సే యాద్ తో కియా లేకిన్ జైసా చాతే ఉస్కే అనుసార్ నహీ కింతు భావం కో భూల్ నహీ సక్తే ये भाव का प्रकरण आपके सामने आ रहा है और यह स्वभाव और विभाव दो प्रकार से हुआ करते हैं। स्वभाव का अर्थ यह है जो गुण जिस रूप में है जिसके आधार को लेकर रहते हैं वह अन्यत्र कहीं पाया जाना पाया नहीं रख सकता इसे लक्षण ही समझ लो। तो गुणों का एक प्रकार से उसी में रहना होता है उसी प्रकार उसका स्वभाव परिणाम भी उसी में रहता है अन्यत्र नहीं जाता। शीतलता अग्नि का स्वभाव भी नहीं हो सकता और विभाव भी नहीं हो सकता। शीतलता यह जल का स्वभाव है। हाँ शीतलता के स्थान पर अग्नि के योग में उस अग्नि जल में उष्णता भी आती है यह उसकी निजी क्षमता है परिणमन की। उसी प्रकार आत्मा में अथवा पुद्गल में और जीव में दूसरे के संयोग से कुछ स्वभाव में तद्विली आती है। आप लोगों कितने बार कहा लाइटिंग मत करो कौन है वो। हाँ आप फोटो लेना हो तो बाहर चले जाओ बाहर से ले लो दूर से यहाँ न लो। मैं ये कह रहा था उस लाइट के कारण यह नैमित्तिक बन गया। पद के द्वारा इस प्रकार प्रभाव पड़ जाता है इसको विभाव बोलते हैं। विभाव इसको बोलते हैं लेकिन लाइट को कुछ नहीं हूं अपने आंखों की अपेक्षा से वह बाधक बन जाता है। ये विभाव की स्थिति यह होती है। तो यह विभाव जो आया है जीव में आते हुए भी स्वभाव नहीं स्वभाव नहीं का अर्थ अपने आप नहीं पर के संयोग के बिना पर के निमित्त के बिना इसका विभाव रूप परिणमन तीन काल में संभव नहीं। ये कर्म निरपेक्ष विभाव कहलाता है किंतु एक कर्म सापेक्ष विभाव कहलाता है किंतु यह रूढ़ है। एक कर्म निरपेक्ष भी विभाव होता है वो भी अपने को समझना है उसको भी स्वभाव ही कहा गया यानी अपने में होता है या अपने द्वारा होता है अपने से होता है इसलिए भी उसको स्वभाव कहा जाता है वह अन्यत्र नहीं पाया जाता।
वह अन्यत्र नहीं पाया जाता। मूंग को बोले से मूंग की ही उत्पत्ति होगी, चना नहीं। यह स्वभावत्वात्, इसको बोलते हैं स्वभाव है ना। अब देखो इसमें अपने आप कैसे अलग धर्म उत्पन्न होता है, इसको देखें। मूंग बोएंगे अंकुरित होगा और मूंग ही मूंगफली उसमें लगेंगे, मूंग की फली, मूंगफली नहीं। हाँ, अब किंतु जब उनका उनकी राशि बनाई गई, उनको उन फलियों में से बाहर निकालना दिया, और आप लोग अपने काम में ले ली। काम में लेने के उपरांत जब उसको आप लोगों ने पकाया, सीज गए, और उसका आपने जो जिस रूप में करना था वो कर लिया और खाना प्रारंभ कर दिया। सुन रहे हैं? हाँ, क्या आपने पकाया? मूंग पके हो और बैठ गए। जब खाना प्रारंभ कर दिया तो एकदम कंकड़ जैसे आवाज हो गई। अड़ोस पालन वालों ने कहा कहीं दांत तो नहीं टूटा, अब कुछ लग नहीं रहा, क्या है ये? तो वह देख लेता है, अरे ये तो मूंग है, ये मूंग सीधा कैसे नहीं, सब तो सीज गए मूंग, ये कहां से आया? ऊपर से गिर गया होगा। तो फिर बनाने वाले कहते हैं नहीं, ऊपर से कोई गिरा फिरा नहीं है, किंतु आप लोगों को ये मालूम नहीं, हम जानते। बनाने वाले कहते क्या जानते हो? ऐसा है, एक मूंग आया है, बोने से आया है, उसकी राशि बनाई गई, किंतु यह सीजते नहीं, जो अंकुरित हुआ उसी के द्वारा बीज आया, और वह कैसे नहीं सीज रहा? और ये सारे सारे मूंग तो पक गए, सीज गए और खाने में आ रहे। तो वो कहता है यह स्वाभाविक रूप से वैभाविक है। क्या? ये स्वाभाविक रूप से ही वैभाविक है। अन्य सजातीय लोग तो ऊग गए, लेकिन ये तर्रा जिसको बोलते हैं राजस्थान में, तर्रा तर्रा तर्रा, वो कितनी भी आप उसको पकाओ आपके ईंधन समाप्त हो जाएगा, आप ये पानी जो सब सूख जाएंगे, फिर भी वह तस से मस नहीं होता। इसको बोलते हैं अभव्य। अभव्य किसी ने बनाए नहीं किसी को, और भव्य से अभव्य नहीं बन सकता, और अभव्य से भव्य नहीं बन सकता, इसमें कोई व्यापार नहीं होता। अब क्या करें? ये स्वभाव से ही विभाव है उसमें। तो पारिणामिक भाव दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पारिणामिक, एक अशुद्ध पारिणामिक। स्वभाव और उसमें भी विभाव होता है, लेकिन दूसरे के संयोग से वह नहीं होता, किंतु अपने आप पक जाए ऐसा नहीं होता। ये ईंधन के माध्यम से आग लगाने के बाद
ऊपर भगोनी में रखेंगे तो सीजेंगे, नहीं तो वो अपने आप सीजेंगे नहीं। ये जो पाक शास्त्र के अनुसार यह स्वाभाविक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के पीछा से इसमें अनेक परिणाम होते हैं। यदि मान लो कड़ाव में रख करके भूनते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, भूनते हैं, तो वो लाइट टाइप बन करके सामने आ जाता है। क्योंकि इस प्रकार के रेत में अथवा इसी प्रकार के उस कड़ाव में रख करके उसको आप गर्म करके, हाँ उसको गर्म जो है इसने वो, हाँ रेत भी डालते हैं उसमें, उसके द्वारा लाई आदि मुरमुरा वगैरह आदि आदि बनते हैं। तो ये हुआ उस निमित्त से, किंतु रेत के साथ करेंगे तो इस ढंग से वह लाइटा बनेंगे, और यदि ऊपर पानी में डाल करके पकाएंगे तो वह साग रूप में बनेगा। समझ में आ रहा? और मान लो पीस करके बनाएंगे तो वह और दूसरा रूप धारण करेगा जो आप बनाओ व्यंजन। तो यह निमित्तकृत जो परिणाम होते हैं इसको नकार नहीं सकते, किंतु ओरिजिनल कोई न कोई धान या मूंग आदि होना चाहिए। अग्नि के द्वारा कभी ये नहीं बन सकता, लेकिन अग्नि अग्नि रहेगी तो अग्नि के निमित्त पा करके इसमें इस प्रकार का परिणाम होता है। ये स्वभाव और विभाव के रूप में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के होता है। ये मैं इस स्वभाव के माध्यम से, मतलब जिसको जैसे बोते हैं वैसे ही आते हैं, ये बिल्कुल स्वभाव है। किंतु तर्रामुंग को तो बोया नहीं गया था, और बो भी ले तो वो अंकुरित नहीं होता, तो वो फलता भी नहीं है। किंतु जो फलते हैं उसके माध्यम से मूंग उत्पन्न होते हैं, उनमें से कुछ टर्रा रह जाते हैं। संसार भर में अनंत काल से अनंतानंद जीव हैं, उनमें टर्रा मूंग की भांति अभव्य होते हैं, अभव्य रहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कभी बाद में अभव्य हुए हैं ऐसा नहीं, किंतु वह अभव्य भी पहले से ही है। भव्वा भव्यसु इत्यादि कह करके अनेक उदाहरण में सामान्य रूप से दोनों को ये कथन ले लेते हैं। दूसरे अभव्य का एक ही गुणस्थान होता है, उनको किसी प्रकार से बनावट से किसी ने उत्पन्न किया हो ऐसा नहीं, वो है, कम से है, बहुत दिन से है। कुछ ऐसे होते हैं भव्य होकर के भी जिनके लिए वह कभी निमित्त मिलने वाला ही नहीं है, तो क्या वह तर्रा के समान वैसे ही मूंग रहेंगे? पुराण दूर भव्य जो है कहीं ग्रंथ में नहीं आया, आप लोगों के मुख से सुन रहे हैं हम। हाँ हाँ, परिवर्तन तो संभव है ही नहीं। कुछ लोग सुनते हैं, सुनते सुनते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अब उनको अभावित तो नहीं कर सकते हैं। आज तक हम लोगों में सुना होगा, सुने ही है, परिवर्तन आज तक नहीं आया, अब थोड़े से आया। स्वभाव लाभात अच्युतत्वात अस्तु स्वभाव, ये स्वभाव की द्विमुखी व्याख्या है। इसको समझने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है,
उदाहरण भी ढूंढने पड़ते हैं, आप लोगों के कारण उदाहरण आ जाते हैं। अब कोई कहता है, अब कोई कहता है कुछ मूंग ही ऐसे हैं जो तर्रा मूंग को भी पैदा करते हैं। नहीं, ऐसा कर नहीं सकते आप, वो स्वभाव है उनका। अब नो कर्म में और कर्म में क्या भेद है ये बताना चाहता हूं। इसको वह यह है कि मूंग डालेंगे अंकुरित होगा, उसके द्वारा मूंग ही होंगे, लेकिन मूंग कहां पर होते हैं तो फल्ली में आते। अब देखो एक फल्ली है, उसमें मान लो 200 मूंग हैं, उन्हीं में से एक आध टर्रा मूंग निकलता है और उन्हीं में से शेष जितने भी हैं वो सारे सारे सीजने वाले आते हैं। एक मूंग जो है बीजत्व के रूप में था और ये इधर जो है हजारों रूप में आ गए। फलियां 50-100 जिसे भी ज्यादा लग जाती हैं और एक उसका बेल है मूंग की, और इसमें 100 सैकड़ों तो है फलियां लग जाते हैं, उसकी शाखा उपशाखाएं होती है, उसमें से वो झूलने लग जाते। ये नो कर्म में इस प्रकार का, सुनो, नो कर्म में इस प्रकार की वर्गनाएं तर्रा मूंग के लिए उपलब्ध हो जाती है। मूंग ही है वो, किंतु वो तर्रा के रूप में होता है। नोक द्रव्य देखो, कर्म किस ढंग से फलता है इसमें लिखते हैं द्रव्य क्षेत्रादि निमित्त, हाँ निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा से निमित्त पा करके कर्म उदय में आते हैं और फल देते हैं। यही दिव्य ध्वनि में उतरा है कि हम एकांत से कुछ कह नहीं सकते, यही होगा ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने जाना है और शक्ति की इस रूप में शक्तियों के साथ जाना है। वह एक ही मूंग के द्वारा सीजने वाली भी मूंग है, ये भी पक्का है, अन्यत्र उसकी बेल है ही नहीं। अन्य बेल के ऊपर वो मूंगफली लग ही नहीं सकती, फिर भी एक फली में तर्रा कहां से आए ये पूछने से द्रव्य क्षेत्र काल भाव वशात इस प्रकार होता है। यह स्वभाव यादव स्वभाव तर्क गोचर है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वह फलों में भी वही चित्र आता चला जाता। ऐसा क्यों है तो यह अकथ्य है। मतलब दिव्य ध्वनि में भी ये बात आ रही है, ये अकथ्य है, ज्ञाप्य है, ज्ञेय है, और जो जो ज्ञेय है वो सारे सारे काट्य है। ऐसी आप बात मत करो, द्वादशांग में तो कच्च का ही प्ररूपण होता है, अकच्च का प्ररूपण नहीं होता। और अकच्च का भाग कितना है तो कच्च के अनंत गुना है, जो कहने योग्य नहीं। ज्ञेय है, ज्ञात है, ये भी जानने योग्य भी है और भगवान के द्वारा ज्ञात भी है, लेकिन उसके बारे में प्ररूपण नहीं है। क्यों? समय नहीं होगा उनको, समय है। अब वो पीछे वालों को कह देंगे तुम अपने इसको पूर्ण कर लो,
करना लाना चाहिए वस्तु स्वरूप कभी भी चाहिए नहीं मानता। ये चाह तो आप अपने पास रखो और जो स्वरूप है उसका बड़ा अद्वितीय है। आज हम इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान ने क्या जाना फिर समझो भगवान ने क्या कहा और कितना कहा ये प्रश्न करो। जो जो जाना वो कहने में आ ही नहीं सकता और जो जो जाना वो सारे सारे कह तो सकते हैं लेकिन जो वह कह कठिन ही है जो अनंत गुना है उसके बारे में भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। और आपने कहा ऐसा ही ऐसा नहीं है। इसका परिणाम एकांत से नहीं दिया जाता अन्यथा उसी मूंग के द्वारा तरह की उत्पत्ति क्यों हो गई। मूंग की उत्पत्ति होते हुए भी सीधे वाला मूंग क्यों नहीं आए। स्वयं तो सीजा था स्वयं तो पका था उसी फल्ली में वो आया। इसीलिए आचार्य कहते हैं नो कर्म अलग है कर्म अलग है भाव कर्म अलग है पारिणामिक भाव अलग है जो परिणाम के माध्यम से उत्पन्न नहीं होते वो स्वयं ही हो रहे हैं। तो भव्यत्व और अभव्यत्व और जीवत्व ये सारे के सारे पारिणामिक भाव हो करके भी वैभाविक और स्वाभाविक के रूप में दो प्रकार से विद्यमान हैं। यहां पर खुलता है ये तत्व। इसलिए स्वभावस्य विस्तारेण विशेष रूपेण उच्यते ऐसी प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। स्वभाव लाभात् अच्युतत्वात् अस्ति स्वभाव स्व का अर्थ आपको ज्ञात हो गया। इसीलिए पांचों परिणाम पांचों भाव स्वभाव है ये कथन करने का आशय दृढ़ता के साथ उमा स्वामी महाराज का है। उमा स्वामी महाराज ने किसी भी भाव को परकृत है ऐसा नहीं कहा परमे है ऐसा नहीं कहा किंतु आत्मा में है और आत्मा में है तो कुछ कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। है आत्मा में जैसे ज्ञानावरणादि आठ कर्म है उनमें ज्ञानावरण को मान लो ज्ञानावरण दर्शनावरण इत्यादि इनका क्षय हो गया क्षायिक भाव उत्पन्न हो गया। ये क्षायिक भाव कर्म सापेक्ष है कर्म का क्षय हो रहा है और क्षायिक भाव आत्मा में क्यों हो रहा है। रूप रसगंध स्पर्श वान कर्म था और उसी कर्म में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। कर्मों का तो क्षय हुआ तो इधर आत्मा में क्षायिक भाव हुआ क्योंकि आत्मा के साथ उस कर्म का संबंध था और उसका प्रभाव था आत्मा के ऊपर। तो जो आत्मा के ज्ञान और दर्शन को ढक रहा था नष्ट कर रहा था इसके क्षय होने से वो भाव आत्मा में जागृत हो गए। एक क्षायिक भाव होता इसी प्रकार कर्म का उदय होता है और आत्मा में भाव होता तो उसको अवलयिक भाव बोलते हैं। ऐसा ही भव्यत्व कोई भाव होता होगा भव्य कर्म होता कोई और भव्य कर्म के उदय से आत्मा में भव्यत्व उत्पन्न हो गया हो ऐसा नहीं। फिर
उदय जो आता है उसका बंद भी होना अनिवार्य है, उसका सत्व भी होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में उसका कर्म का उदय होना चाहिए, तो भव्य नाम कर्म का कोई उदय होता ही नहीं, इसलिए उसको औदयिक भाव नहीं कहा। तो कर्म के उदय में जो आत्मा में भाव होंगे, ये सारे सारे प्रयोजन के साथ लगाया जा रहा, तो कर्म है कर्मण उदयात, कर्मण है उदय प्रयोजन में से औदयिक है। इसी प्रकार उपशम प्रयोजनम यत्र इति, तो केशम उपशम, तो कर्मणा उपशम, कर्मों के उपशम से आत्मा में भाव होंगे तो औपशमिक होंगे, क्षायिक होंगे, औदयिक होंगे और क्षायोपशमिक होंगे। और पारिणाम के लिए कर्म निरपेक्षत्वात् कहा, जो कि स्वस्य स्वेन वा आत्मने आत्मनु वा भवनम इति स्वभाव, होना व भाव स्वभाव है। इस प्रकार इसके स्वभाव और विभाव ये दो को लेकर के चला, और परिणाम भाव में परिणाम है मात्र अपने आत्मलाभ होना, इतना ही पर्याप्त है, उसको पारिणामिक भाव कहा, जो एकदम कर्म निरपेक्षित है। ये धारणा न बनाए जो विभाव है वो कर्म सापेक्ष ही होता है, यदि ऐसा होता है तो भव्यत्व और अभव्यत्व और जीवत्व ये कर्म सापेक्ष होना चाहिए। क्या कहते हैं, नहीं जीव भव्यत्वा भव्यत्व, ऐसा सूत्र आता ना, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों परिणाम जो भाव होते हैं ये परिणाम भाव के गिनती में आ जाते हैं। विभाव और स्वभाव आप समयसार और आदि ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, शुद्ध परिणामिक भाव और अशुद्ध परिणामिक भाव, ये दोनों भाव एक प्रकार से कर्म निरपेक्ष होकर के भी विभाव और स्वभाव के रूप में रहते हैं, और इनका अभाव होना अनिवार्य होता है। तो भव्यत्व का अभाव हुए बिना मुक्ति नहीं, भव्यत्व जब तक रहेगा तब तक मुक्ति नहीं, और भव्यत्व के बिना भी गुणस्थानों का चढ़ना नहीं होता, क्योंकि प्रथम गुणस्थान को छोड़ करके अभव्य ऊपर उठना ही नहीं, कितने भी उठना उठाने का प्रयास करो। जैसे रावण के जीव को नरक से निकालने का प्रयास किया, रस्सी बांधी, नहीं समझे और कुछ कर लिया, लेकिन मोम की भांति सब पिघल करके वो वहीं को वहीं रहता, तब उस रावण को भी अक्ल आ गया, अब आ रहा नरक में आता सब लोगों को, यहां नहीं आता, वहां की गर्मी से अपने आप ही पक जाता है और समझ में आ जाता है, पश्चाताप करता है। अब कितना भी प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, यह भव है, यह भव यहीं पर फलता है, भव विपाकी। और चूंकि नरक आयु का उदय है तो नरकों में ही वो पूर्ण करेगा, वहां का बंधन किसी को भी नहीं छूट सकता, वहां का बंधन वहीं पर रहेगा। मनुष्य आयु का उदय है, आप देव नहीं कहलाएंगे, और यहां से आप जा नहीं सकेंगे, कहां से बाहर नहीं, हम बाहर जान लेंगे कैसे जाएंगे, जैसे लोग विदेश चले जाते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि त्रिलोक के
मनुष्य जो रहेगा तो मनुष्य क्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। सुनते हैं महाराज? क्या सुनते हैं आप बताओ? इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। उत्पत्ति की अपेक्षा से बात अलग है। समुद्घात मारना यदि समुद्घात करना चाहो तो बात अलग है। बाकी रिद्धि सिद्धि की अपेक्षा से भी यहाँ का यहीं पर रख करके जाना होगा। औदारिक शरीर यही रखो और आहारिक शरीर के माध्यम से आप घूम सकते हो। कहाँ तक जा सकते हैं? जैसे आगम में कहा हुआ इस वहां तक जा सकते हैं, ये पक्का है। इसीलिए आचार्य कहते हैं यह वहीं पर बंधा हुआ रहेगा। भव्यत्व का अंतिम समय तक ही रहना हो सकता, फिर बाद में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि वह पारिणामिक भाव होकर के भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। वहां पर केवल शुद्धत्व को ही जाया जा सकता और अशुद्ध को कोई भी जा नहीं सकता। ये वैभाविक है, विभाव के साथ मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आज ये आदि कथन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवत्व भाव को भी इन्होंने क्या कहा? अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा। वह भी गुणस्थान तक ही रहेगा। अथवा आपके पास कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। लेकिन यह मुक्ति में मोक्ष में वहां पर ये जीने योग्य नहीं है, नहीं समझे? ये प्राण वायु वहां पर उपयोगी नहीं, इसको यहीं पर छोड़ो। तो एक 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 प्राण समाप्त हो रहे हैं। देखो जो मुक्त होता है उसके लिए सर्वप्रथम पांच इंद्रियां निकल गए और मनोबल भी निकल गया। कितने चले गए? 6। केवल ज्ञान हो जाएगा। और क्या चाहिए? हाँ, मनोबल तो जा नहीं सकता। वचन तो रहेगा, दिव्य ध्वनि कैसे करेगी? 4 रहेंगे। हाँ, यूं कर दो। हाँ, चाहिए रहे, 4 रहेंगे, बाकी सब 5-6 निकल गए, 4 रहेंगे, 10 प्राण है। अब ये भी निकाल दीजिए, 4 प्राण रखते हैं वह अनंत परमेश्वर बन सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब 13 गुण स्थान तक, फिर 5वां कौन सा? 5वां कौन सा? अब वचन बल भी 14 गुण स्थान में निकल जाएगा, काय बल भी निकल जाएगा। सुनो, क्या क्या रहेगा? आयु, ये बाकी रहेगा। यह भी प्राण है ना, इसको भी निकाल दो। यह ऐसे नहीं निकल सकता, इसकी एक उम्र है। वो कहता है ठहरो, मैं पूर्ण कर लेता हूं फिर बाद में। तो इस प्रकार आयु कर्म को पूर्ण जब करता है वो 10वां प्राण है, तब वह शुद्ध परमिष्ठी बनता है। ये हिसाब हुए, ये 10 प्राण निकल गए तो जीवत्व निकल गया। अब क्या हुआ? वहां शुद्धत्व आ गया है और वह शुद्धत्व पर्याय सादी अनंत काल तक रहने वाला है। संसार दशा में जीवत्व कितने काल तक रह सकता है?
उसका भी प्ररूपण आचार्यों ने किया है। कैसे किया है? एक इंद्रिय देता है तो उसका उसकी कितनी सीमा है ये भी बताया। फिर बाद में परिवर्तन होगा, होते होते हुए भी जब तक ये चार सभी प्राणों से मुक्त नहीं होगा तब तक मुक्ति अवस्था नहीं मिलेगी, यह शर्त है। इसलिए आयु के माध्यम से जीने वालों सुनो, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, इस गुणस्थान से चढ़ते हुए समाप्त करो ताकि गुणस्थान का प्रकाश हो। तो दसवां गुणस्थान का प्रकाश सूक्ष्म सांप्राय प्राण के माध्यम से प्रकाशित होता। उससे पहले सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से प्रकाशित होता। ग्यारहवें गुणस्थान में कैसा होता है? तो उपशांत मोह के रूप में प्रकाशित होता है। बारहवें गुणस्थान में कैसा होता है? तो मोहनी कर्म के क्षय के रूप में प्रकाशित होता है और होते ही वहां पर तेरहवें में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है वहां पर संयोग केवली के रूप में प्रकाशित होता है। योग तो है किंतु भव्यत्व और संगित्व और असंगित्व इन दोनों का निवारण होता है। मनोबल निकल गया उसका। संगित्व और असंगित्व ये हम लोगों के लिए आवश्यक है, नहीं तो विकास नहीं। अभी नहीं छोड़ी हो लेकिन ये